सभी मुखों से आप उस अनुभूति को सुन रहे हैं। मुझे विश्वास है कि उससे आप लोग धर्म से संबंधित विचारधारा में एक नई चेतना, नई दिशा प्राप्त करेंगे। आज मैं जो बातें आपको बताने जा रहा हूं वो बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रत्येक मनुष्य के लिए परम आवश्यक भी है। इस रहस्य को जानना, समझना तथा उसे अपने दैनिक जीवन में उतारना, विश्व के इतिहास में मनुष्य जाति ने जब से जन्म लिया है तभी से उसमें विकास की एक सहज चाह देखने को मिली है। महर्षि पतंजलि ने उसे अपनी भाषा में तासाम अनादित्वम्
और जब तक इसे पूर्ण नहीं कर लेता तब तक उसमें कभी स्थिरता शांति नहीं आई। ईश्वरी विधान से मनुष्य को उस त्याग को पूर्ण करने के लिए जिस व्यवस्था की उपलब्धि हुई, जिस संस्था की प्राप्ति हुई, उसको प्राचीन काल में धर्म संस्था कहते हैं, आज भी उसे धर्म संस्था ही कहते हैं। हम पढ़ते हैं महाभारत में, न राज्यो न राजासी। उस समय न तो राज्य की व्यवस्था थी न राजा की, राज्य नहीं था राजा नहीं था। मनुष्य अपने सद्भावना से, सद्बोध से, सत्कर्म से स्वयं ही अनुशासित रहा करता था और मनुष्य एक दूसरे का सहयोग करते हुए विकास की दिशा में प्रगति करता था। कालांतर में वह धर्म संस्था कमजोर पड़ने लगी, नियम तो बना दिए गए परिवार में समाज में इस प्रकार से लोगों को व्यवहार करना है, लेकिन उदंड वृत्ति वाला व्यक्ति उस नियम को पालन करने के लिए राजी नहीं हुआ और उच्छृंखलता उसके जीवन को दूसरे के जीवन में व्यवधान उत्पन्न करने के लिए कारण बनने लगी। उस अवस्था में एक दूसरी संस्था का जन्म हुआ जिस संस्था को राज संस्था कहते हैं। इसलिए अब समाज को सुव्यवस्थित और सुविकास की दिशा में ले जाने के लिए दो संस्थाएं बना दी गई, एक धर्म संस्था और दूसरी राज संस्था। इन दोनों संस्थाओं के संचालक जो थे वो तत्वदृष्टा आत्मस्थ ऋषि थे। जो राज संस्था को संचालित करते थे उनकी संज्ञा होती थी राज ऋषि, जो धर्म संस्था को संचालित करते थे उनको ब्रह्मर्षि, महर्षि, देवर्षि आदि नामों से पुकारा जाता था। इन दोनों संस्थाओं को परमात्मा की श्रेष्ठतम विभूति के रूप में मानव समाज स्वीकार करता रहा है। राज संस्था व्यक्ति के जीवन को समाज में किस प्रकार से बरतना चाहिए, किस प्रकार का होना चाहिए, व्यक्ति अपने जीवन से समाज के साथ किस प्रकार की गतिविधि अपनावे, यह निर्धारण करना अपने मिले हुए साधन से समाज हित में किस प्रकार से वह सक्रिय हो सकता है, इस रहस्यमयी विद्या का अवबोधन कराना और तदनुसार समाज को संचालित करना ये राज संस्था का कार्य रहा है। बांट दिया गया धर्म का वह नीति भाग राज संस्था के साथ जोड़ दिया गया, जिसको अंग्रेजी में एथिक्स कहते हैं। और व्यक्ति अपना आंतरिक विकास करता हुआ, स्वयं उन्नत होता हुआ पूर्णत्व को कैसे प्राप्त कर ले,
इसकी व्यवस्था में दूसरी संस्था का प्रयोग होने लगा, उसका नाम रख दिया गया धर्म संस्था। पहले सामाजिक व्यवस्था और व्यक्तिगत उत्थान दोनों इस धर्म संस्था के अधीन था, क्योंकि प्राचीन काल के ऋषियों ने धर्म की मीमांसा करते हुए समझाया, ये तो अभ्युदय निश्रेय सिद्धि धर्म, जिसके द्वारा अभिता परिता उदय अभ्युदय सर्वतोमुखी विकास करता हुआ मनुष्य निश्रेय पूर्णत्व को प्राप्त कर ले, वो धर्म है। ये प्राचीन मीमांसा है धर्म की, व्याख्या है धर्म की। लेकिन बाद में हम देखते हैं स्मृतियों में, महाभारत मनुस्मृति आदि ग्रंथों में, रामायण आदि में ये संस्था दो भागों में बढ़ जाती है। समाज को सुव्यवस्थित करने का दायित्व राज संस्था पर हो जाता है और व्यक्ति के आंतरिक विकास की जिम्मेदारी धर्म संस्था पर हो जाती है, और तभी से ये प्रक्रियाएं चली आती रही है। राज संस्था की कमजोरी में धर्म संस्था की प्रतिष्ठा नहीं रह सकती, ऐसा स्मृतिकारों ने कहा है। और महर्षि चाणक्य ने भी अपने कौटिलीय अर्थशास्त्र में इस सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए ये बात समझाया है कि यदि राज संस्था निर्बल हो जाए तो धर्म संस्था सुरक्षित नहीं रह सकती, और यदि धर्म संस्था निर्बल हो जाए तो राज संस्था सुव्यवस्थित नहीं रह सकती। राज्य में सुव्यवस्था और धर्म की सुरक्षा, ये दोनों ही अनिवार्य तत्व है। आपका जीवन सुरक्षित रहे पहली बात, और आपका जीवन व्यवस्थित रहे दूसरी बात। ये दोनों बातें जानते हैं, आपका जीवन सुरक्षित रहे पहली बात और आपका जीवन व्यवस्थित रहे। आप जहां हैं वहां से आगे बढ़ें, लेकिन आपका वह विकास दूसरे के सर पर पांव रख करके ना हो, कहीं दूसरे के सहयोग से हो, दूसरे को साथ ले करके हो। हमारे यहां वेद के जितने मंत्र हैं, बहुत कम मंत्र हमें मिले हैं जिसमें व्यक्तिगत उत्थान की ही प्रार्थना की गई हो, नहीं तो हम सदैव सामूहिक विकास की ही प्रार्थना करते हैं भगवान से। जैसे गायत्री मंत्र तो आप लोग सभी जानते हो, वो व्यक्तिगत प्रार्थना नहीं है, धियो यो नः प्रचोदयात्, हे प्रभु हम सबकी बुद्धियों को तू प्रेरित कर, मेरी बुद्धि को नहीं, न हमारे, हम सबकी बुद्धियों को। जैसे विश्वान देव सवितुर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव तत् न आसुव, हे परमात्मा जो हम सब में दोष है उसको दूर कर दे, और जो कुछ कल्याण है वो हम सबको दे दे, अकेले को नहीं। इसी रूप से वेद के जितने मंत्र आपको मिलेंगे सब में सामूहिक कल्याण की भावना है, क्योंकि वेद ये मानता है कि यदि तुम व्यक्तिगत कल्याण की चाह रखते हो तो तुम किसी भी जन्म में किसी भी जीवन में कल्याण के भाजन नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते भाई? इसलिए कि यदि तुम्हारा व्यक्ति भाव माने तुम्हारा इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस कायम है, स्ट्रॉन्ग है, उसको तुम छोड़ना नहीं चाहते तो तुम्हारे कल्याण की कल्पना कैसे हो सकती है? जहां अहम है, जहां मैं है, वहां मैं के साथ तुम खड़ा होगा, मैं के साथ ही तुम खड़ा होता है, और जहां मैं और तुम दो है वहां फिर कुछ मेरा होगा और कुछ तेरा होगा, और जहां मेरा और तेरा है वहां जानते हो माया का साम्राज्य, ईश्वर का नहीं। तुलसीदास जी से पूछिए, वो बता रहे हैं। भगवान लक्ष्मण को समझाते हैं, लक्ष्मण की प्रार्थना है भगवान से,
बड़ी मजे की बात बताऊं आपको रामायण की। महात्मा लक्ष्मण अपना सर्वस्व त्याग करके राम के चरणों में समर्पित होते हैं और राम के चरणों का अनुगमन करते हैं। वनवास राम को मिला था, लक्ष्मण को नहीं, आप सब जानते हो। लेकिन वनवास में राम के भागीदार बनने के लिए लक्ष्मण सबसे आगे तैयार हो जाते हैं। और जब राम को यह पता लगता है कि यदि मैंने लक्ष्मण को यहां छोड़ दिया तो ये प्राण त्याग देगा, देह गेह सब सन तृण तोरे राम विलो की बंध कर जोड़े। भाई को देखा राम ने कि लक्ष्मण देह और गेह सबसे संबंध तोड़ चुके हैं, भगवान ने लक्ष्मण को साथ ले लिया। लक्ष्मण राम के साथ तो चले गए सब कुछ त्याग करके, लेकिन एक बात उनके साथ चली गई। और क्या था जो साथ ले गए? तुलसीदास जी ने कहा उसको, कहते अहम, मैं। उसका छोड़ना बड़ा कठिन है, बहुत कठिन। लक्ष्मण के साथ उनका मैं चला गया और मैं जहां मौका पड़ता वहां उठकर खड़ा हो जाता। उसका निकृष्टतम रूप तब सामने आया जब चित्रकूट में भगवान श्री सीताराम अपनी कुटिया में विराजित थे और लक्ष्मण बाहर से कुछ तूफान सा उठता हुआ देख करके आए, पूछने लगे, प्रभो बाहर बहुत धूल उड़ रही है, पता नहीं क्या होने वाला है, इसमें कारण क्या है? अभी सोच ही रहे थे दोनों, इतने में कोल भील आकर के बताए कि भरत चतुरंगिणी सेना लेकर के आ रहे हैं। भगवान ने सुना भरत आ रहे हैं, सुनते ही भगवान के हृदय में बड़ी खलबली मच गई। भगवान ने सोचा भरत आ रहा है, जरूर मुझे लेने आ रहा होगा। एक तरफ पिता की वाक्य है, पिता की प्रतिज्ञा है, पिता को दिया हुआ वचन है, दूसरी तरफ भरत का प्रेम है, अगाध स्नेह भरत का है। प्रभु सोचने लगे कि मैं भरत के प्रेम को ठुकरा करके कैसे वन में रह सकूंगा, पिता के दिए हुए वचन का पालन कैसे कर सकूंगा। ऐसा सोचते हुए प्रभु के हृदय में एक हलचल पैदा हो गई। लेकिन लक्ष्मण ने जब देखा कि प्रभु के अंदर हलचल है तो लक्ष्मण दूसरा ही समझ गए। क्या समझे? प्रभु ने सोचा, लक्ष्मण ने सोचा कि शायद भरत की चतुरंगिणी सेना का समाचार सुन करके प्रभु घबरा गए। देखिए आदमी की जैसी बुद्धि होती है वैसे सोचता है, उसके विपरीत नहीं सोच सकता। लक्ष्मण ऐसे महात्मा प्रभु के चरणों में सब कुछ समर्पित करने के पश्चात भी प्रभु के अंदर में झांक करके नहीं देख सके कि प्रभु को इस समय जो व्याकुलता है वो किस बात की है, नहीं समझ सके। और प्रभु की व्याकुलता का अर्थ दूसरा ही लगा लिया और प्रभु व्याकुल हो गए हैं भरत के चतुरंगिणी सेना के भय से। ऐसा सोचते ही उन्होंने उठा लिया धनुष बाण, प्रभु से कहने लगे, भगवान आप क्यों चिंतित हो रहे हैं? मेरे रहते हुए, मेरे हाथ में धनुष बाण रहते हुए आपको चिंता करने की जरूरत पड़ी है? आज राम सेवक जसले हूं, आज ही तो मौका मिला है, भरत समर सिखावन दे हूं, आई बना भल सकल समाजू, प्रकट करूं ऋषि पाछी ले आजू, और मैं भरत की सेना के ऊपर कैसे टूटूंगा? ले लपेटी लवा जिमी बाजू, जिमी कर दलई मृगराजू,
तैसै भर तैसे न समेता सानुज निधर निपातौ खेता। जैसे बाघ बटेर को दबा देता है, जैसे मृगराज शेर हाथियों के झुंड को नष्ट भ्रष्ट कर देता है, आज ऐसे मैं अकेला ही भरत की सेना को नष्ट भ्रष्ट कर दूंगा और भाई सहित भरत को मार करके आपकी चिंता को दूर कर दूंगा। आप ये ना सोचे जो सहाय कर शंकर आई, और कितना छोड़िए मृत्यु के देवता यदि शंकर भी आकर के भरत की रक्षा करें तभी मैं भरत को जीवित नहीं छोड़ूंगा। तदपि हतौ रघु राम दुहाई, मैं प्रभु की प्रतिज्ञा करके कहता हूं। वाह, लक्ष्मण की बातें सुनकर भगवान राम आश्चर्य में चकित हो गए। ये क्या, देखते रह गए, कुछ नहीं बोले, और जो कुछ लक्ष्मण को कहना था सब कुछ कह डाले। भगवान शांति से सुनते रहे। लेकिन जब मारने की प्रतिज्ञा किया भरत को, तो भगवान तो मौन रहे, लेकिन देवताओं से नहीं सुना गया, नहीं सुना गया। जग भई मगन गगन भई बानी, लखन बाहु बल विपुल बखानी। देवताओं ने कहा लक्ष्मण सावधान, अनुचित उचित काज कछु होई, करिय विचार कहिय भल सोई। जो कुछ काम करना हो पहले उसका अच्छा और बुरा परिणाम सोच लेना चाहिए। यदि तुम बिना विचारे कोई काम करते हो, सहसा कर पाछे पछताही, कहीं वेद बुझते बुध नाही। यदि तुमने कोई आवेश में आकर काम कर दिया और बाद में पश्चाताप करना पड़े, अच्छी बात नहीं है। देवताओं की बात सुनकर लक्ष्मण संकोच में गड़ गए, अपनी गलती का एहसास हुआ। भगवान बड़े प्रेम से लक्ष्मण को बुलाए, अपने बगल में बैठा लिए। भगवान की एक नीति है, आप लोगों को राम की नीति दो शब्दों में समझा दूं। प्रभु की एक नीति है, वो कहते हैं कि जिसके यदि कोई व्यक्ति आवेश में है, वो कुछ कहना चाहता है, तो उसको टोको मत बीच में, जो कहना चाहता है उसे कह लेने दो पूरा। अपने हृदय की सारे गुबार जब उसके निकल जाए, सारे गुबार निकल जाए, जो कहना चाहे खूब सुनो, बैठे रहो शांत से। यदि तुम्हें उसकी बात सुनने में अप्रिय लगती हो, तभी अपने चित्त को किसी प्रिय के चिंतन में लगा दो। जब चित्त प्रिय के चिंतन में लग जाएगा, तो बाहर से सुनाई देने वाली अप्रिय बात बाहर ही टकरा कर रह जाएगी। लेकिन उसकी सारे गुहार को निकाल दे, बीच में यदि रोक दिए तो मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि मनोविज्ञान कहता है कि यदि व्यक्ति के मन में उठी हुई बात और रोक करके मन में ही रखनी पड़ी, तो उसके लिए वो महाभयानक रोग का कारण बन जाएगी और उसके लिए भी अहित होगी, और बीच बीच वो फैलती रहेगी, और एक दिन वह बहुत ही भयंकर रूप से पुनः बाहर आएगी। इसलिए उसके गुबार को निकाल देने दो। लक्ष्मण भरत को गालियां देते रहे, मारने तक की प्रतिज्ञा कर ली, भगवान कुछ नहीं बोले, सुनते रहे बड़े प्रेम से। भरत को क्या नहीं कहा लक्ष्मण ने, कुटीर कुबंधु कुमता की, जामि राम बन बास एकाकी, कोटि प्रकार कलपि कुटिलाई, आए दल बटोरी दो भाई। वाह, भगवान राम सब सुनते रहे। जब लक्ष्मण ने अपनी सारी उबाल बाहर निकाल दी, भगवान राम ने उन्हें प्यार से अपने पास बैठा लिया। पास बैठा करके प्रभु ने एक बात कही। प्रभु की एक और नीति है कि कोई कितनी भी बुरी बात क्यों न कहे, भगवान कहते हैं तूने ठीक कहा। ये बात है, भगवान कहते हैं तूने बहुत अच्छी कही, बात तुम्हारी बहुत अच्छी है, बिल्कुल ठीक है, गलत नहीं है। लक्ष्मण भरत को गालियां देते रहे और उनकी सारी बात सुनकर भगवान राम क्या कहते जानते हो, तात कही तुम नीति सुहाई, बड़ी अच्छी नीति कही तुमने,
ये नहीं कहा कि क्यों रे ना समझ ऐसी बात क्यों कहता है तू, ऐसा नहीं कहा। क्यों नहीं कहा जानते हो? इसलिए कि विवेकी पुरुष ये जानता है कि जो व्यक्ति जो कुछ कह रहा है वो अपने समझते तो ठीक ही कह रहा है, आपकी समझ से भले बुरा हो, आपकी समझ से भले गलत हो, आपकी समझ से भले वो ठीक ना हो, लेकिन वो अपनी समझ से ठीक कर रहा है कि नहीं। तो दूसरे के समझ को गलत बताने का अधिकार आपको किसने दे दिया है? किसी के विचार को गलत करने का हक आपको किसने दिया है? किसी दूसरे को हक नहीं है कि कह दे तुम्हारे विचार गलत है। हाँ इतना तुम कह सकते हो कि भाई तुम्हारी बात तो बहुत अच्छी है, कहते तो तुम ठीक हो, लेकिन लेकिन क्या मैं मजबूर हूं, मैं उसको नहीं मान सकता। ठीक है क्योंकि तुम्हारे दृष्टि में ठीक है, हमारी दृष्टि में ठीक नहीं है। भगवान राम यही कहते हैं। कई जगह रामायण में ऐसा अवसर आया है जबकि भगवान राम के सामने दूसरों ने बिल्कुल अनुचित बात कही और भगवान ने उसका यही उत्तर दिया, तुम ठीक कह रहे हो लेकिन मैं मजबूर हूं, तुम्हारी बात गलत नहीं है। यही बात लक्ष्मण से उन्होंने कही कि लक्ष्मण तात कही तुम नीति सुहाई, सबते कठिन राज मद भाई। भैया तूने बहुत अच्छी बात कही है, सही में राजमद बड़ा कठिन होता है। जो अचवत नृप मातई ते, जिस राजमद को पीते ही, राजमद को राजरूपी मदिरा को पीते ही मनुष्य पागल हो जाता है। लेकिन लक्ष्मण जानते हो कौन मनुष्य पागल हो जाता है? लक्ष्मण ने कहा महाराज जानता हूं, एक थोड़ी। उन्होंने कहा एक ही बात नहीं है, इतिहास भरा पड़ा है। सहस बाहु सुरनाथ त्रिशंकु केहिन राज मद दीन कलंकु। अनेकों का इतिहास पड़ा हुआ है, सहस्रा बाहु नहुष त्रिशंकु ये सब राजमद के नशे में पागल हो गए थे। शशि गुरु तीय गामी नहुष चढ़े भूमि सुरयान, लोक वेद ते विमुख भा अधम को वेद समान। लक्ष्मण ने एक नहीं अनेकों उदाहरण देकर के बताया है कि अच्छे अच्छे धर्मात्मा की बुद्धि भ्रष्ट हो गई, राजरूपी मदिरा को पीकर पागल हो गए। और इसी तर्क के आधार पर लक्ष्मण कहते हैं कि यदि भरत पागल हो गया तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है। लेकिन भगवान ने यहां पर एक बात बताई, कहा प्यारे लक्ष्मण राजरूपी मदिरा को पीकर वही पागल होते हैं कौन? सो अचवत नृप मातई ते नाहीन साधु सभाजी न से। का राजरूपी मदिरा को पीकर वे लोग पागल होते हैं जिन्होंने कभी सत्संग नहीं किया होता, जिन्होंने कभी साधु सभा का सेवा नहीं किया है। सत्संग करने वाला व्यक्ति को राज मिल जाए या साम्राज्य मिल जाए, भगवान कहते हैं राज की तो बात नहीं, भरत सत्संग किए हैं, भरत साधु हैं, इसलिए भरत ही हो इन राज मद विधि हरि हर पद पाई। केवल राज की क्या बात है लक्ष्मण, मेरे विचार से यदि ब्रह्मा विष्णु महेश का पद भी मिल जाए तभी भरत को राजमद नहीं हो सकता, भरत को राजमद नहीं हो सकता। राम कहते हैं सगुण छीर अवगुण जलता रचई मिलई पर पंच विधाता, भरत हंस रवि वंश तरागा जन्म कीन गुण दोष विभागा, गही गुण पे तजी अवगुण बारी निज जस जगत कीन उजियारी। भगवान राम कहते हैं कि विधाता ने अवगुण रूपी पानी और सद्गुण रूपी दूध को मिला करके इस संसार की रचना की है। जैसे हंस दूध और पानी को मिलाकर रख दीजिए तो वह दूध पी लेता है पानी छोड़ देता है, ऐसे ही भरत हैं हंस जो रविवंश रूपी सूर्यवंश रूपी तराग में आविर्भूत हुए हैं, विराजित हैं। उन्होंने अपने ज्ञान से दूध को ग्रहण कर लिया है, पानी का त्याग कर दिया है।
इसलिए भरत के समान कौन हो सकता है। लखन तुम्हार सपथ पितुआना, सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना। तुम कह रहे हो भरत कुटीर है, भरत कुबंधु है, कुटीर कुबंधु को अवसरता की, लेकिन मेरे विचार से लक्ष्मण सुचि और सुबंधु, पवित्र और सदबंधु भरत के समान दुनिया में कोई न हुआ है और न तो होने वाला है। राम कहते भरत की महिमा राम से जैसा लक्ष्मण ने सुना था देखा भी वैसे, और भरत के प्रति उस क्रोध का उस आवेश का लक्ष्मण को आजीवन पश्चाताप बना रहा। भगवान ने तो क्षमा कर दिया लेकिन लक्ष्मण की आत्मा कभी उनको क्षमा नहीं किया। मैं ये कहानी आपको केवल इसलिए सुनाया कि भरत के प्रति लक्ष्मण के हृदय में जब द्वेष भाव आया और भगवान राम के द्वारा जब उनका वह द्वेष भाव दूर किया गया तो लक्ष्मण को एक आशंका हो गई। सोचने लगे कि मैं प्रभु के चरणों में ही रहता हूं, प्रभु का चिंतन करता हूं, उनकी सेवा करता हूं, छाया की तरह रातों दिन उनके पीछे पीछे रहता हूं, रात प्रभु सो जाते हैं तो मैं जागता हूं, प्रभु के पास रहते हुए प्रभु का गुण तो मेरे में नहीं आया। क्या समझे? प्रभु के पास रहते हुए भी प्रभु का गुण मेरे में नहीं आया, और भरत प्रभु के पास नहीं रहता, प्रभु से बहुत दूर रहता है। प्रभु वन में है तो भरत अयोध्या में है, लेकिन राम के सारे गुण पता नहीं कैसे भरत में चले गए। जो कोई भरत को देखता है वो यही समझता है कि मानो राम हो गए, राम मिल गए उसे। इतना ही नहीं, लोग यही कहते हैं कि भरत राम ही की अनुहारी, सहसा रखिना सकई नर नारी। भरत बिल्कुल राम के समान ही है, एकाएक नर नारी ये समझ नहीं पाते कि ये राम है और भरत है। वन की स्त्रियां भी भरत को जाते समय देख करके यही सोचती हैं, राम लखन सखी हो ही कि नाही, लगते तो ऐसे जैसे राम हो। बे बपु बरना शील सोई आली, बे बपु बरना रूप सोई आली, शील स्नेह सलिस समचाली। राम का केवल सकल ही नहीं मिलता, राम का शील, राम का स्वभाव, राम के गुण, राम के चरित्र, राम के समग्र वैशिष्ट भरत में विराजमान है। लक्ष्मण ये सोचते हैं कि मैं राम के साथ रहता हूं, राम के गुण मेरे में नहीं आए। भरत राम से दूर रहते हुए भी राम के सारे गुणों को ग्रहण कर लिया, इसलिए हमारे में जरूर कहीं दोष होगा। क्या समझे? कहीं दोष होगा हमारे में। लक्ष्मण उस दोष की तलाश करते रहे लेकिन दिखाई नहीं दिया। क्यों नहीं दिखाई दिया? कहा जिस अहम से दोष की तलाश कर रहे थे, जिस अहम से जो दोष की तलाश की जा रही थी वो अहम तो उनके पास ही था, दिखाई कहां से देता। हमारे यहां एक बात समझाई जाती, व्यक्ति सबसे पहले अपने बाहर के संबंधों से ऊपर उठे, बाहर के संबंधों से ऊपर उठने के लिए उसको अपना एक विशेष संबंध निर्धारित करना पड़ता है। एक दूसरा उदाहरण ले ले, जैसे आपके पांव में कांटा गड़ गया तो कांटा फूल से तो नहीं निकलेगा, चंदन के लेप से नहीं निकलेगा, उसके लिए कांटा की जरूरत है, कांटे से कांटा को निकालो। जैसे कांटे से कांटा निकाला जाता है ऐसे ही बाहर की आसक्ति को दूर करने के लिए एक नई आसक्ति तैयार करनी पड़ती है अंदर की, और अंदर की आसक्ति से जब बाहर की आसक्ति दूर हो जाए तो उस अंदर की आसक्ति को भी दूर करनी होती है, कि नहीं उसके पकड़े हो। जिस अहम के बल से
लक्ष्मण ने सबका क्या किया है, उस अहम के ऊपर सवार होकर के वो अपने दोषों को ढूंढ रहे हैं, नहीं मिलता, दिखाई नहीं दे रहा, वही अहम तो दोष है और उसी दोष के कारण लक्ष्मण दुखित है, चिंतित है। अब उस चिंता से व्यथित होकर के जब वो आगे बढ़ते हैं, आरण्य काल में जाते हैं, दंडकारण्य में जाते हैं, तो एक दिन प्रभु के चरणों में एकांत पाकर के बैठते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु बड़ी व्यथा है लक्ष्मण के हृदय में, कहते हैं भगवान आप चराचर के स्वामी हो, अभी तक मैंने केवल यह सोचा था कि आप मेरे स्वामी हो, लेकिन उस राज ने लिखा है उसको, एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण वचन कहे छलहीना। एक बार प्रभु एकांत में सुखासीन थे, लक्ष्मण ने जाकर प्रभु के चरणों में प्रणाम करते हुए अत्यंत दीन भाव से उसे प्रार्थना की। प्रार्थना क्या की, सुर नर मुनि सचराचर साई, आप त्रिलोकी के अधिपति हो, देवता मुनि चर अचर सभी के आप स्वामी हो, लेकिन मैं पूछू निज प्रभु की नाई, लेकिन मैं एक सेवक की भांति अपने प्रभु से प्रार्थना करता हूं, ये बताइए वो माया क्या चीज है, कहू ज्ञान विराग अरुमाया, कहू सो भगति करू जे हिदाया, वो माया क्या चीज है जो बड़े बड़े दानियों को भी लपेट करके गड्ढे में ढकेल देती है, वो अज्ञान क्या है जिससे मनुष्य माया से मुक्त होता है, वह वैराग्य क्या है जिसके द्वारा मनुष्य ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वह भक्ति क्या है जो ज्ञान वैराग्य के परिणाम में प्राप्त होती है, जिसे आप कृपालु होकर के दया कर देते हैं जीव पर, इसका रहस्य प्रभु आप मुझे बताइए, प्रार्थना करते हैं। और लक्ष्मण की प्रार्थना को सुनकर प्रभु ने वहां पर एक बात कही है जो मैंने पहले आप लोगों को बताई थी। भगवान वहां पर लक्ष्मण को समझाते हैं, लक्ष्मण याद रखो, मैं अरुमोर तोर तय माया, जही बस की ने जीव निकाया। जब तलक मैं जीवित है तब तलक मैं के बाद तय भी होगा, ये मेरे के बाद तेरा भी होगा, और जहां मैं है मेरा है, तय है तेरा है, वही माया का साम्राज्य है, और इसी माया ने समस्त जीवों को अपने फंदे में जकड़ रखा है। मैं अरुमोर तोर तय माया, यही बस की ने जीवन निकाया। लक्ष्मण को अब होश आया, इस मैं ने ही तो मुझे ऐसा पागल बना दिया था, मैं क्षत्रि जाति रघुकुल जन्म राम अनुग जग जान, ये मैं इस कुल में पैदा हुआ हूं, मेरा अमुक अमुक से संबंध है, मेरे हाथ में इतनी शक्ति है, मेरा इतना वैभव है, इतना पुरुषार्थ है, जहां मैं आया वहीं पर मनुष्य की सारी ज्ञान विज्ञान की राशि समाप्त हो जाती है, इसलिए हमेशा सावधानी से धर्म पथ पर चलते हुए ये बात याद रखें, जब तक मैं और मेरा है तब तक कल्याण की संभावना नहीं हो सकती, तब तक मोक्ष का मार्ग नहीं मिलने का, तब तक भगवान की उपलब्धि भी नहीं होने की। भगवान की उपलब्धि, मोक्ष की प्राप्ति मैं और मेरे, तय और तेरे से मुक्त होने पर ही होगी, इसीलिए वेद कहता है, लक्ष्मण के बाद भगवान ने समझाई, इसीलिए वेद कहता है कि तुम प्रार्थना अपने लिए मत करो, तुम मैं के लिए नहीं या तो फिर विश्व के लिए करो, सबके लिए करो, तुम कल्याण की कामना अपने लिए नहीं सबके लिए करो, तुम मंगल की कामना अपने लिए नहीं सबके लिए करो, जब सबकी
भलाई होगी तो तुम्हारी भलाई अपने आप हो जाएगी। आप लोग जानते हैं वैदिक धर्म का मूल मंत्र गायत्री मंत्र है और हर एक सनातनी हिंदू के लिए यह आवश्यक है कि वह प्रातः काल गायत्री मंत्र से प्रभु की प्रार्थना करे और उस गायत्री मंत्र में मानव मात्र को सद्बुद्धि प्रदान करने के लिए प्रभु से प्रार्थना है। मानव मात्र के कल्याण की भावना से युक्त होकर के ऋषि प्रभु से प्रार्थना करते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा था कि धर्म संस्था में लोक कल्याण की भावना थी और इसी रूप से जिस धर्म संस्था ने लोक कल्याण की भावना को जन्म दिया जिससे मनुष्य परम पद को प्राप्त करने का अधिकारी हुआ उसी धर्म संस्था से जुड़ी हुई एक दूसरी संस्था जिसमें लोक हित की भावना से कर्म के समर्पण की दिशा प्रदान की गई जिसको मैंने राज संस्था के नाम से संकेत किया था। मूल में दो बातें बताई थी ना, धर्म संस्था और राज संस्था। रामायण का यह उदाहरण उस धर्म संस्था की यथार्थता को समझाने के लिए मैंने आपको दिया है। तो धर्म संस्था में व्यक्तिगत चाह नहीं, जब तक मैं और मेरा है तब तक धर्मानुष्ठान नहीं, तब तक आत्म उन्नति का कोई क्रम नहीं बनता। आत्मा की उन्नति का अर्थ होता है आत्मा का अनंत में लय। याद रखो फिर धर्म का लक्ष्य सही माने में कुछ पाना नहीं है, फिर क्या है, अपने अहम को उसमें खो देना है। उसको पाने का तरीका खुद के खो जाने में है। वहां पर कुछ मिलता नहीं, जो हमारा इंडिविजुएशन है, हमारा जो दृष्टि भाव है वह उस अनंत में लय हो जाता है। तो अपने अहम को उस अनंत में लय करने की भावना जो है ये धर्म की साधना का लक्ष्य है। तभी तो अनंत से युक्त होकर के आनंदित होता है। ये बात आप लोग ध्यान से समझ लें। ब्रह्म की मीमांसा करते हुए उपनिषद कहती है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। तो सत से आप परिचित हैं और ज्ञान से आप परिचित हैं, चित से आप परिचित हैं। सत तो सत्तात्मक है और चित जो है वह ज्ञानात्मक है। आप अपने अस्तित्व के विषय में आशंका नहीं रखते इसलिए वह सत है जिसको आप जानते हैं और आपके अपने अस्तित्व का बोध भी है इसलिए वहां ज्ञान भी है, सत भी है, चित भी है। तो कमी किसकी रह जाती है, कमी रह जाती है अनंत की। सत्यम ज्ञानम अनंतम, ये ब्रह्म के तीन यहां पर विवर्त बताए गए। सत्यम ज्ञानम अनंतम, तो सत्य तो है ज्ञान भी है, सत और चित दोनों की उपलब्धि है लेकिन अनंत नहीं है वो, सत और चित दोनों सीमा में बंधा हुआ है, अनंत से युक्त नहीं है। जब तक ये सीमा बनी रहेगी तब तक न तो कहीं ब्रह्म है, न तो कहीं मोक्ष है, न तो कहीं भक्ति है और न कहीं यथार्थ ज्ञान है। भगवान ने ज्ञान का रूप समझाते हुए बताया ज्ञानमान जह एकउ नाही, जहां मानी मनाई हुई बातें, जहां सारे मेजरमेंट, जहां डाइवर्सिटी समाप्त हो जाए, जहां डाइवर्सिटी के लिए कोई स्थान न रह जाए, उस स्थिति का नाम है ज्ञान। ज्ञानमान जह एकउ नाही देख ब्रह्म समान सब पाई, सर्वत्र एक सच्चिदानंद की सत्ता ही दिखाई देने लगे। जहां इंडिविजुएशन समाप्त हो जाए, डायवर्सिटी समाप्त हो जाए, अनेकता समाप्त हो जाए, वही यथार्थ ज्ञान है और उस यथार्थ ज्ञान को उपलब्ध कराना ही धर्म संस्था का प्रयोजन है। लेकिन उस यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आप कैसे सक्रिय हो सकते हैं, कैसे तत्पर हो सकते हैं, कैसे गतिशील हो सकते हैं, क्या यदि आपका जीवन सुव्यवस्थित है। तो जीवन में यदि सुव्यवस्था नहीं, आप बैठे ध्यान करने के लिए और आपके पड़ोस में जोर का रेडियो खोल दिया और उसका धाम धूम मचने लगा, आप ध्यान कर सकते हैं क्या?
क्या है आप कर सकते नहीं कर सकते। आप सवेरे ध्यान करने बैठे हैं, बगल वाले ने जोर का लाउड स्पीकर लगा दिया, अब चिल्ला रहा सवेरे से ही सिनेमा के गाने गा रहा है, अब क्या करोगे आप? ध्यान कहां करोगे, कैसे करोगे आप? निकालने का अभिप्राय कि धर्म संस्था के माध्यम से विकास आपका कब होगा? यदि बाहर की व्यवस्था सुव्यवस्थित हो, अच्छी हो और आपके लिए उपयोगी और हितकारी हो, ऐसी व्यवस्था हो जिसमें सबका ध्यान रखा जाता हो, ऐसी व्यवस्था देना किसका काम है? ये धर्म संस्था काम नहीं है, ये व्यवस्था राज संस्था की। ये राज संस्था का काम है कि वह आपके जीवन को सुव्यवस्थित विकास में बनाने के लिए हर एक प्रकार की सुविधा प्रदान करे। ये वैदिक काल से लेकर के आज तक समस्त स्मृतियों का, समस्त शास्त्रों का सार मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, धर्म संस्था और राज संस्था। लेकिन राज संस्था लोक हित में सक्रिय होगी कब? जब उसका संचालक वह होगा जिसमें जीवन के विकास की महत्ता को समझाए। आप जरा सोचिए, जहां पर राज संस्था यह सोचती हो कि कौन ऐसी व्यवस्था करें जिससे अधिक से अधिक पैसा आए, और उसके लिए शराब के ठीके जगह जगह तक खोले जाते हो, क्या सोचते हैं? जिस देश में 40,000 गायें रोज सवेरे कटती हो, क्यों? इसलिए कि गौ मांस और गौ रक्त इनको बेच करके, उसकी चमड़ी बेच करके करोड़ों रुपया बाहर सर ले आएंगे। जहां पर राज संस्था गली गली में शराब के ठीके खोलती हो जिससे अधिक से अधिक आय बढ़े, आमकारी अधिक आमदनी हो, समाज का पतन हो, मनुष्य का पतन हो, परिवार नाश हो जाए, लेकिन हमें आय की वृद्धि करनी चाहिए, नहीं कि इतने घाटे का जो बजट है पूरा कैसे होगा? यहां पर राज संस्था मनुष्य हित की चिंता से दूर होकर केवल अर्थ की चिंता करने लगे, आप क्या समझते हैं? वहां पर आप ध्यान करेंगे, वहां पर आप आंतरिक विकास करेंगे? पश्चिम के विद्वानों ने जब उपनिषद का अध्ययन किया तो उन्होंने ये घोषणा की कि ये उपनिषद की अनुभूति उस काल में हुई होगी जिस काल में समाज की सुव्यवस्था श्रेष्ठतम रूप से शांति प्रदान करने में मानव को सक्षम रही होगी। सुविकसित देश में ही, संपन्न समाज में ही, संतुष्ट राष्ट्र में ही, सभ्य समाज में ही इस प्रकार के ज्ञान विज्ञान का उदय हो सकता है, अन्यथा नहीं। ये विद्वानों की राय, यदि समाज सुव्यवस्थित नहीं है तो आप आंतरिक विकास नहीं कर सकते। आप जरा सोचिए, आपको एक व्यवस्था दी गई, सवेरे उठिए आप प्राणायाम कीजिए, प्राणायाम से शुद्ध ऑक्सीजन आपके लंग्स में जाएगा, आपके लंग्स को भी मजबूत बनाएगा, फेफड़ों को शुद्ध करेगा, आपके शरीर को सुंदर बनाएगा और आपके चेतना को उद्मुखी करेगा। और आप बाहर बैठे प्राणायाम करने के लिए, लेकिन पोल्यूशन इतना है कि आप कुछ कर नहीं सकते। जिस ऑक्सीजन को आप अंदर लेना चाहते हैं वो पोल्यूशन के द्वारा ऑक्सीजन की जगह अनेकों प्रकार के जहरीली गैसें आपके अंदर जा रही है, आप क्या करेंगे, कौन सी उन्नति करेंगे आप? आध्यात्मिक संस्था आपके लिए क्या करेगी? धर्म संस्था आपको कितना कल्याण कर देगी? जैसे यहां पर आप लोग व्याख्यान सुनते हैं, विद्वानों के चरणों में बैठ करके शिक्षा लेते हैं, लेकिन जब आप व्यापार में प्रवृत्त होते हैं, कई लोग आते हैं कहते हैं महाराज मजबूर हो जाते हैं बेईमानी करने के लिए, चाहते नहीं, ईमानदारी से एक दिन भी हम काम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई? आपको एक छोटी सी घटना सुनाओ। हम आश्रम में गौ पाले हुए हैं, गौशाला है हमारी, और उनका हमने इंश्योरेंस करा रखा है। अभी कुछ महीने पहले हमारी एक गौ मर गई, गौ मर गई, उसका जैसे क्लेम करते हैं
वो इंश्योरेंस वालों को बताए भाई हमारी एक उम्र गई और क्लेम के लिए जितने का वो इंश्योरेंस था इंश्योर थी गए उतने पैसे मिले थे। अब जो एजेंट था वो आया वो कहता है आपको 8,000 तो मिल सकते इसमें 2,000 आपको देना पड़ेगा। भाई किस चीज का किस चीज का नहीं ये तो आपको देना ही पड़ेगा तब वो ऑफिसर पास करेगा तब आपको 8,000 की यानी स्वीकृति होगी। भाई गाय हमारी मरी पैसे हमने भरे इंश्योरेंस का पैसे हम भर रहे हैं तुम्हें वो 2,000 किस चीज का दे दें। हाँ कहते हैं सुविधा शुल्क। अब आप क्या कहें मैं विदेश में था ब्रह्मचार्य ने मुझे फोन पर पूछा कि मांग रहा 2,000 दे करके 8,000 में हम का उससे कर दो आकर।